हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी भी मैं शिरडी में ही हूँ, बट यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वेदर है, बहुत अच्छा है यार। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं एंड देखो सारी शॉप होटल सब खुल गए, और एक हमारे उल्लासनगर में 12-1 बजे अगरबत्तियाँ जलती है। और मुझे यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे रोड पर चल रहा हूँ, नहीं तो हम लोग अपनी व्हीकल से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। अभी जब से व्लॉगिंग चालू किया है तो सब दिखाना पड़ता है भाई, क्या करें, व्लॉग है ना। एंड देन अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा एज़ कम्पेयर टू उल्लासनगर, यहाँ के जो रोड्स हैं देखो, एंड यहाँ की जो शॉप्स है बहुत अंदर है। शायद इतने रोड में हमारे उल्लासनगर के दोनों साइड के शॉप आ जाते हैं, एंड देन हम लोग इन और आउट गाड़ियाँ भी चलाते हैं। कौन से भी रोड ले लो उल्लासनगर के, इवन खाली 4 नंबर वाला जो अपना NCT स्कूल का रोड है ना, वो थोड़ा बड़ा है, बाकी एज़ कम्पेयर टू बाकी सब रोड छोटे। अभी ये देखो यहाँ पर ये फुटपाथ पर लोग चल रहे हैं, एंड कितना अंदर होटल है अराउंड। अगर ऐसी सिटी हमारी उल्लासनगर भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, आई लाइक। एंड देखो यहाँ पे हमारे उल्लासनगर में ऐसे परमिशन है होटल अंदर बाहर से बैठने की, साला हाथगड़े भी नहीं रुकने देते, रोड छोटा है, रोड छोटा है। मुझे बहुत पसंद है ये। एंड दे अभी बस टेंपल जा रहा हूँ, कल से बोलो टेंपल जा रहा हूँ बस अभी जाऊँगा, एंड मज़ा आता है रोड पे चल के। चलो गाइस मिलते हैं अभी बाद में मंदिर के यहाँ। गाइस और एक बात बताना भूल गया था, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे तो हॉर्स राइडिंग है, इसका 30 रुपीज़ कुछ चार्जेस है, ऐसे राउंड घुमा के आते हैं। बट यहाँ पे भी साईं बाबा का भक्ति निवास है, ये देखो यहाँ पे भी अराउंड 500 रूम्स है। अब मैं तो आगे रुका हूँ साईं आश्रम में, बट अभी आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे आप फॉरवर्ड कर देना इनकेस कभी आप शिरडी आ जाओ तो। ये पूरा निवास है यहाँ से, सो मेरा और आगे 1 किलोमीटर के बाद है। मैं तो ऐसे वॉक पे निकला था सुबह सुबह, बहुत मस्त अच्छा वेदर था, ठंडी ठंडी हवा, एंड इतना सनी भी नहीं हो रहा है। सूरज मामा को देखो, नॉट अ सनी। चलो गाइस अभी मिलते हैं मंदिर में, एंड यहाँ पे साईं बाबा का विद्यालय भी हो, देखो जूम करके दिखा देता हूँ। अरे क्या है, एसेट है ना यार, मस्त है यार, श्री साईं बाबा कन्या विद्यालय मंदिर प्रतिष्ठा, एसेट बहुत अच्छा काम कर रहा है गाइस। यार इतना दूर है तो भी इतना जूम हो गया, आई आई लव द क्वालिटी यार एसेट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो गाइस मिलते हैं अभी भाई, पक्का मंदिर पे मिलेंगे, और कुछ भी नहीं है, जो था मैंने दिखा दिया। एक अच्छी बात पता चली है, अगर हम शिरडी जाते हैं जब टेंपल में, तो हमें अपने बायोग्राफिक्स देने पड़ते हैं, बायोमेट्रिक्स जो भी आइडेंटिटी है, बायो आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैनर, वहाँ पे हमको देने पड़ते हैं। एंड देन आपको टाइम वहाँ पे मिलता है, पास मिलता है, वहाँ पे लाइन में रुकना पड़ता है। तो अगर आप साईं आश्रम आते हो, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है इन रिसेप्शन के ऑपोजिट में। जब अभी मैं जा रहा था तो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वहाँ पे जाके नहीं, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, फिर डायरेक्ट यहाँ से निकाल के आप सीधा दर्शन को चले जाओ, वहाँ पे लाइन में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप साईं आश्रम में ही रुकते हो, जब भी शिरडी आते हो, देन आपको कोई तकलीफ नहीं है, साईं आश्रम में सब सुविधाएं हैं। यही बात थी मुझे आपको बतानी थी। देन अभी चलो मैं भी निकालता हूँ फटाफट एंड जाता हूँ शिरडी। फ्रेंड्स मेरा हो गया है, आप ये लेफ्ट में हैं देख सकते हो, थूकना मना है एंड देन ये मेरा है, एंड मुझे टाइमिंग मिला है 11 to 1 PM gate number 2। सो कितना जल्दी हो गया, देन आपको भी है, फटाफट आना, फटाफट निकल जाना। फ्रेंड्स और एक बात है, अगर आपको साईं बाबा मतलब शिरडी जाना है साईं टेंपल में, साईं आश्रम से, तो आपको ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन है, यहाँ पे फ्री बस आती है, एंड बस ही आपको पिकअप करेगी, एंड देन फटाफट आप पहुँच जाओगे, कोई भी नहीं बस खाली यहाँ पे लाइन में रुकना पड़ता है। अभी 10 मिनट में आएगी, 15 मिनट में आएगी बस, सर्विस इनकी चालू है, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं, सब चीप रेट्स में, गरीब आदमी आराम से ट्रैवल कर सकता है। सो प्लीज़ कम ऑन शिरडी।